गदर 2 में तारा सिंह फिर से सीमा पार पाकिस्तान जाएगा, लेकिन इस बार अपनी पत्नी सकीना नहीं बल्कि अपने बेटे जीते के लिए। फिल्म की कहानी 1970 में हुई भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। फिल्म में तारा सिंह के बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा इस बार एक सैनिक के रूप में नजर आएंगे। 21 साल बाद जीते भी काफी बड़े हो गए हैं और फिल्म में इस बार अपने बेटे की जान बचाने के लिए तारा सिंह पाकिस्तान में घुसेगा। गदर में दर्शकों को तारा सकीना की लव स्टोरी, लेकिन इस बार कहानी बाप बेटे के अटूट रिश्ते पर बेस्ड है। इस बार फिल्म में एक नहीं बल्कि दो दो विलेन से मुकाबला करता नजर आएगा तारा सिंह। 21 साल पहले जब गदर आई थी तो उसमें अमरीश पुरी विलेन के तौर पर नजर आए थे। 2005 में अमरीश पुरी का निधन हो गया था, इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब उनकी भूमिका इस बार गदर 2 में मनीष वाधवा निभाएंगे, जो शाहरुख खान की फिल्म पठान में निगेटिव रोल में नजर आए थे। वहीं फिल्म में दूसरे विलेन के रूप में पर्दे पर रोहित चौधरी नजर आएंगे। रोहित चौधरी काफी मशहूर एक्टर है, इस वजह से सनी के साथ उनका फाइट देखना दर्शकों के लिए काफी रोचक होगा। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर को बनाने में जहां सिर्फ 19 करोड़ रुपए लगे थे, तो वहीं इस बार गदर 2 का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है। गदर में जहां तारा सिंह ने हैंडपंप उखाड़कर हंगामा मचा दिया था, वहीं इस बार गदर 2 में वो सीमेंट का पोल उखाड़ते दिखाई देंगे। गदर 2 में इस बार सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा मनीष वाधवा, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, गौरव चोपड़ा और लव सिन्हा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड के मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।